अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आ गई हूँ कौन न्यू रेसिपी के साथ। यहाँ आज सिस्टर बना रही हैं आलू गोश्त। तो यहाँ पर कितना गोश्त लिया है, आधा किलो गोश्त लिया है और आलू लिए हैं, आधा कप दही लिए और दो प्याज लिए हैं और थोड़ा सा गरम मसाला लिया इन्होंने, एक चम्मच गरम मसाला लिया है। और यहाँ पर इन्होंने जो ये पेस्ट बनाया है वो टमाटर हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया है और अदरक लहसुन, अदरक लहसुन भी इसी में ऐड किया, अदरक लहसुन भी इसी में ही ऐड किया है। यहाँ पर तेल लिया है और ये पिसा हुआ धनिया, हल्दी और पिसी मिर्ची और नमक लिए जस्ट। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ 3 चम्मच जो है इसमें ये तेल डाल लिए, तक ऑयल अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ इसमें प्याज डालेंगे जो ऑयल को ब्राउन होने देंगे, स्टेज पे जो है ये प्याज निकालेंगे, उतार लेंगे इसे हाथ आगे, प्याज निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ये गरम मसाला डाल देंगे इसमें, अब इसमें गोश्त डाल देंगे, पंद्रह मिनट तक इसे भूनेंगे, गोश्त का जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। यहाँ जो ये पेस्ट बनाया था इसमें ये मसाले ऐड करेंगी, एक चम्मच हल्दी डाल रही हैं इसमें, पिसी मिर्ची भी एक चम्मच डाल रही हैं और आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कम मिर्ची खाते हैं तो कम, 1 टेबल स्पून उन्होंने पिसा हुआ धनिया डाला है, तकरीबन आधा चम्मच ही नमक डाल रही हैं, आप हसबे जायका डालिए, कम या ज़्यादा आप बनाने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। और ये इसी में ही जो है दही भी ऐड कर रही हैं, एक साइड कर देंगे। और ये प्याज जो प्याज ब्राउन की थी, आपको घर के इमामदस्ते पे इसमें पीसनी है या फिर उसी लोग का है जो घर में होता है उसमें पीसनी है, वैसे ग्लेंडर में बारीक नहीं होती है, तो इस तरह से आपको इसको प्याज का पेस्ट बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लें। अच्छा, यहाँ पर ये गोश्त अच्छे से इन्होंने भून लिया है, अब इसमें ये जो मसाला लिया था वो डाल देंगे, ये जो इन्होंने मसाला बनाया था वो ऐड कर देंगे। हम 7 से 8 मिनट भूनेंगे, इसमें आलू डाल रहे हैं, आलू भून रहे हैं, इसमें 1 गिलास पानी डाल रहे हैं। आप शोरबा अपने हिसाब से रख सकते हैं, थोड़ा सा और डालूंगी मैं इसमें पानी, आंच पे कवर कर देंगे। अब हम इसे हल्की आंच पे कवर कर देंगे। वेलकम बैक गाइस, यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं और आप आलू चेक कर लो यहाँ से, देखिए आलू हो गए हैं। अब हम इसे निकाल देंगे, ये डन है, आलू गोश्त तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलती हूँ, रखिएगा दुआ में, आज फिर मिलेंगे एक और ज़बरदस्त न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।